मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुपम कुमार। नाउ टुडे आई एम टेलिंग अबाउट द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए एक तरीका मैंने पहले ही बता चुका है, वो तरीका है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, जो कि एक्सरसाइज 3.4 में दिया गया है, क्लास 12 एनसीईआरटी में। और उसमें बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए हुए ऑपरेशन करके, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से इन्वर्स निकालना था, जो कि बहुत ही लेंदी होता था और उसका इन्वर्स निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता था, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो अब ये डिटरमिनेंट के अंदर 4.5 एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि आपको इन्वर्स निकालना है। और इस मेथड से इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट निकालने से पहले हम सीख चुके हैं कि कैसे माइनर निकाला जाता है, कैसे कोफैक्टर निकाला जाता है, कैसे एडजॉइंट निकाला जाता है। तो अगर हमारे पास एडजॉइंट का नॉलेज है, यानी अगर हम एडजॉइंट निकाल पाते हैं, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलेगा, यानी वो इन्वर्टिबल कब होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और वो पॉसिबल होगा, कभी कभी ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। वो कौन सा कंडीशन है मैं देखता हूँ। अगर मान लीजिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का अर्थ ये हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसका कि इनवर्स पॉसिबल है, यानी जिसका इनवर्स हम निकाल पाएंगे। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है आपको कि नॉन सिंगुलर का अर्थ क्या होता है, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर वो जीरो के बराबर नहीं होता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर वो जीरो के बराबर होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें चेक करना होगा डिटरमिनेंट निकाल के। अगर डिटरमिनेंट निकालने के बाद वो जीरो नहीं होता है तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, तभी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का वो इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये चेक करना होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो और नॉट। अगर ये जीरो होता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, अगर वो जीरो नहीं होता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो इफ adjoint of A is the adjoint, then inverse of any square matrix is given by A inverse। ए इन्वर्स इस तरह से लिख सकते हैं, डिनोट करने का तरीका है, और ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमेशा हमें ये बात याद रखना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट यहाँ पे जीरो हो जाता तो ये किसी भी नंबर के नीचे में जीरो आप रख नहीं सकते हैं डिनोमिनेटर में, तब तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके पीछे क्या कंडीशन था वो अभी पता चल रहा है कि नीचे में डिटरमिनेंट ऑफ ए है, अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो हो जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि ए इनवर्स तभी पॉसिबल है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, अगर जीरो होगा तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए। और जब वो नॉन जीरो होगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर, यानी उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। अब एक पॉइंट है नोट में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछे हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यदि हमारे पास ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर ये एग्जिस्ट करता है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हो, आई हो, तब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि b इक्वल टू आई बाई ए। यहाँ पे i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो i बाई ए का मतलब क्या हुआ, a इनवर्स। और अगर हम a बराबर लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा i बट्टा b, व्हिच इज b इनवर्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी इस कंडीशन में ए और बी दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। कब? जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई रहेगा तब। यहाँ पे यह जो आई है इसका मतलब क्या हुआ, यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी का दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी और बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान पर रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में ये 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 - 2, 4, 3। अब इसका इन्वर्स निकालना है। तो अभी हम जैसा कि देखते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या जरूरत होना चाहिए, ये चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है या जीरो नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होता है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर यह जीरो नहीं होता है तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 इज 14। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है। तो अगर इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी तब हम इसका इन्वर्स आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखते हैं कि कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें किसका जरूरत पड़ेगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम निकालना चाहेंगे तो कल भी हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसे हम रिवर्स करेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसका साइन रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे 2 के प्लेस पे 3 होगा और 3 के प्लेस पे 2 होगा। ये सब कब होगा, जब सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तभी होगा, बाद बाकी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये माइनस 2 है तो माइनस 2 के पीछे अगर हम माइनस लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 के पीछे माइनस लगाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। तो ये 2x2 का है इसीलिए इसका एडजॉइंट निकालना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर यही 3x3 का होगा तो उसे प्रोसेस वाइज निकालना पड़ेगा, जो कि हल्का सा लंबा होगा, इससे थोड़ा लेंदी होगा। तो इस तरह से हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है 14। अब हम चाहेंगे कि ए इनवर्स निकालें। ए इनवर्स बराबर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 3, 2 - 4, 2। अब इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 14 से। हमारे पास डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया है, 14। तो अब हम इसको डिवाइड कर पाएंगे 14 से। अब इसे हम 14 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। इस प्रकार से 3 बाई 14 होगा। 2 बाई 14 करेंगे अगर ये तो 1/7 होगा। -4/14 करेंगे तो ये -2/7 होगा और 2/14 करेंगे तो 1/7 होगा। तो इस तरह से हमारा ए इनवर्स निकल चुका है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/14, 1/7, -2/7 एंड 1/7। तो ये रहा हमारा ए इनवर्स, ये ए इनवर्स का वैल्यू। तो इसे ध्यान से देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जनरली एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में, साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया है 3x3 का मैट्रिक्स। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे, फिर से वही बात। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो 1 × 2 × 5 = 10 -0 -2 × हटा दिया जाए 0 × 5 क्या होगा 0 -0 प्लस 3 × 0 × 0 = 0 यहाँ के 10 - 1 ये हो जाएगा 10, ये भी 0, ये भी 0। यानी इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 0/10 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर। ये क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर है। तो जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स आसानी से निकल पाएगा। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसके एडजॉइंट का वैल्यू। और हम जानते हैं कि एडजॉइंट निकालने से पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा।
तो अब हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। अब हर एक एलिमेंट का हम चाहेंगे कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर को अरेंज करने के बाद जब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो क्या होता है, इसका हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल चुका है। और इस कोफैक्टर को हम अरेंज करेंगे, इस कोफैक्टर को अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 -10 5 0 2 -4 and 2। तो इस तरह से हमारे पास कोफैक्टर आ चुका है। अब हम चाहेंगे एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है, यानी जो अभी रो में है वो कॉलम बनेगा और जो कॉलम में है वो रो बन जाएगा। यानी रो को कॉलम के पोजीशन पे रखना होगा और कॉलम को रो के पोजीशन पे रखना होगा। तो इस तरह से अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे अगर, तो ये 10 0 0 -10 5 0 2 -4 and 2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ से एडजॉइंट मिल चुका है। अब हम एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, इनवर्स आ जाएगा। अब हम यही प्रयास करेंगे कि ए इनवर्स निकालें। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए आर डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस तरह से अब हम हमारा ये प्रयास होगा कि इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके जो कि निकला हुआ है और उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, यानी इस एडजॉइंट को 10 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट यानी 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 / 10। यानी इसके सारे एलिमेंट को 10 से डिवाइड करना होगा। अब हम देखते हैं कि डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, 10 by 10 विच इज 1 -1 1/5 0 1/2 -2/5 0 0 2/10 1/5। तो इस तरह से हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकल चुका है और ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये थोड़ा सा लेंदी होगा, दिमाग लगा के बनाएंगे बन जाएगा सारा क्वेश्चन, और ये हमारे हिसाब से 4.5 कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं और 4.5 कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।